सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू सागर मेहरा। एंड गाइस, आज आपको मैं एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। जैसे आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी भी चीज का आपका लोगो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको ओपन कर लेना है। एंड आपकी जो भी कंपनी का नेम है वो आप यहाँ पे सर्च कर लेना। जैसे कि मेरा तो यूट्यूब चैनल है, एटलीस्ट मेरा यूट्यूब चैनल सागर मेहरा से है, तो मैं इसलिए यहाँ पे सागर मेहरा के नाम से सर्च करूंगा। अब आपको कौन से डिजाइन में लोगो चाहिए वो आपको यहाँ पे पूछेगा। तो आपको कौन कौन से बेटर लग रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 5 या 6 आप अपने चॉइस कर सकते हो, जो जो मेरे को बेटर लग रहे हैं मैं उनके ऊपर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे को ये वाला बेटर लग रहा है। एंड मेरे को 5 तो हो चुके हैं, मगर मेरे को 1-2 और देख लेता हूँ कोई और अच्छा लगे। तो जैसे कि मेरे को ये गोल्डन वाला अच्छा लगा, तो जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। एंड आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट पे कर दिया। एंड आपका कोई सभी नीचे जो प्रोसेसिंग में लिखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोग्राफी। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्ट डिजाइनिंग, या आपसे डिटेल्स पूछेगा। जैसे मेरा फोटोग्राफी का काम है तो इसलिए मैं उसमें, तो यहाँ से आपसे बजट पूछेगा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1 रुपये टू 500 रुपये। ठीक है, 1 से 500 के बीच में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम लोगो कौन सा लगाना चाहते हैं, जो आपका जो आइकॉन होता है वो कौन सा लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कैमरा सर्च करता हूँ क्योंकि मेरा फोटो एडिटिंग का काम है, तो इसलिए मैं कैमरा ही सर्च करूँगा। एंड यहाँ से मैं फोटोग्राफी भी खोल सकता हूँ, तो फोटोग्राफी पे चलते हैं पहले। तो अब यहाँ पे देखो नए नए आर्टिकल आ चुके हैं, इसमें से आपको 5 सिलेक्ट करने हैं और उसी के डिज़ाइन में आपको मिल जाएंगे लोगो। मैंने 2 तो सिलेक्ट कर लिए हैं, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ जो जो अच्छे लगेंगे। इसमें मैंने 5 सिलेक्ट कर दिए, अब ये सर्चिंग पे लग जाएगा। ठीक है, लोगो डिजाइन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। अब यहाँ पे लोगो बन चुके हैं आपके, तो यहाँ पे आपको आपसे 1 सेकंड के लिए जीमेल मांगेगा। तो पहले यहाँ पे हम जीमेल को साइन अप कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको वेट करना है प्रोसेसिंग के लिए। फिर दोबारा प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद आपको लोगो डिजाइन बन के आ जाएंगे। जो सा पसंद आएगा आप वो ओपन कर लेना। तो एटलीस्ट यहाँ पे हो चुका है एकदम अच्छे से, आप देख सकते हैं लोगो यहाँ पे डिजाइन आ चुके हैं बहुत सारे, बहुत ही अच्छे अच्छे आ चुके हैं क्रिएटिव। आप इसमें फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो, अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहो तो वो भी मैं आपको बताऊँ। अब बेटर तो मैं देख रहा हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, तो मैं नीचे तक आ रहा हूँ। अब मेरे को तो अभी तक सिर्फ 1 या 2 ही पसंद आया, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी बना के भेजते हैं ना, वो तो थोड़ा सा दिक्कत तो आता ही है। अब मेरे को तो भाई लोगो 1 ही अच्छा लगा, अभी 2 अच्छे लगे हैं, बट मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा ब्लैक वाला, क्योंकि अभी तो इसके बैकग्राउंड में कुछ पर्पल कलर है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, बट ये जब यूज होगा ना तब देखूंगा। एक ग्रीन वाला, ये वाला अच्छा लगा, एक वो ब्लैक वाला अच्छा लगा वो वाला। ठीक है, तब मैं पहले सबसे पहले जाता हूँ नीचे तक, देख लेते हैं और कोई आ रहा है नहीं, ऊपर चलते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आता, कहाँ गया वो ब्लैक वाला, ये रहा। यहाँ पे मैं इसको लोड पे कर लेता हूँ। एंड अब इसके बाद देखो ये लोगो बनने के बाद किस किस चीज़ के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो और कैसा लगेगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आप टी शर्ट पे देख सकते हो, ठीक है, टी शर्ट प्रिंट पे, और यहाँ पे जैसे कोई मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर। एंड आपका वही फ़ोन के अंदर कैसा लगेगा, जैसे कोई आपका कोई सा भी, जैसे आपका वर्किंग है, शॉप है, जैसे कुछ भी शॉप है आपका, लोगो देखो किस बेटर तरीके से लगेगा ये लोगो। किसी भी पाउच वगैरह, किसी की चीज़ भी ऊपर, आपका जो भी ब्रांड्स है उसके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे आगे की तरफ जा सकते हो, तो यहाँ पे आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। एंड देखो मैं अभी आपको फॉन्ट चेंज कर दिखाता हूँ, तो मैं चाहूँ तो ये वाला फॉन्ट रख सकता हूँ। 1 सेकंड में दोबारा से आता हूँ, थोड़ा सा सेटिंग सिल गई है, फिर दोबारा उसके फॉन्ट वाले चेंज पे चलते, पहले तो फॉन्ट को चेंज करना है। तो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे फॉन्ट है, जैसे मैं ये वाला फॉन्ट लगा रहा हूँ। एंड ये फनकी है, अलग अलग है, डिस्प्ले है। एंड बट ये वाला मेरे को अच्छा लगा, तो मैं ये वाला फॉन्ट लगाऊंगा इसमें। तो ये वाला फॉन्ट लगा लूंगा मैं। एंड इसके बाद अब फॉन्ट लगाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे अच्छे से। ओ फॉन्ट थोड़ा गलत लग गया, मैं इसको फिर दोबारा वही वाला फॉन्ट लगाता हूँ। लगाया एंड इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये फॉन्ट तो एकदम सेट हो चुका है आपका लोगो के अंदर। एंड अब यहाँ से इसको डिजाइन वगैरह जो भी देख सकते हैं आप, इसमें सब कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं अपने लोगो की। ठीक है, तो यहाँ से अपनी लोगो की सेटिंग्स कर सकते हैं एकदम अच्छे से। एंड आपका प्रॉपर लोगो जब बन जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ।
देख सकते हैं इसके जो साइड एंगल है, जैसे कि बॉर्डर बॉर्डर बोल सकते हो, तो वो वाले सारे सेटिंग्स यहाँ से हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सिस्टम दिया हुआ है, आप वन बाय वन चेक कर लेना। जब आपका लोगो बन जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सेव का, वो देख सकते हैं आप, सेव कर देना। एंड अब सेव करने के बाद इसको बाय कर लेना है। बाय करने के बाद अब आपसे यहाँ पे प्राइस पूछा जाएगा, कौन कितनी लो क्वालिटी का चाहिए, कितने एंगल का चाहिए। मगर मैंने 1 से 1 रुपये से 500 रुपये के बीच में रखा था, तो मैं 500 वाला कर लेता हूँ बाय। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय वगैरह पूछेगा, और सबसे नीचे आना आपको, सबसे नीचे कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें सब में आ जाएगा, जैसे ब्रांड डॉक्यूमेंट इन सब का आपका लोगो यूज हो सकता है ये वाला, ठीक है। टी शर्ट में सबसे नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, एक सेकेंड। अब यहाँ पे सबसे प्रोसेसिंग जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, अपने इंफॉर्मेशन भरनी है बैंक वगैरह की, वो आप खुद भर लेना है। एंड इसको बाय कर लेना। तो आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ पे अपने प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।